एक कमरे में 25 लोग, उनके बीच चटाई पर सोना, खाने को मिले सूखे चने, उस तौलिये को तकिया बनाना जिससे नहाते हो, कुछ ऐसा ही हाल बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के साथ भी हुआ था, वो भी तब जब वो एक विदेश में कॉन्सर्ट अटेंड करने गए थे। ये बात सुन आपको भी एक बार को हैरानी तो जरूर हुई होगी, भाई आखिर आज 2700 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के मालिक सलमान खान को एक बार जमीन पर जो सोना पड़ा था वो भी पूरे 25 लोगों के साथ, तो हर किसी को ये बात अटपटी लगेगी ही, लेकिन ये किस्सा आज का नहीं बल्कि पूरे 31 साल पुराना है। तो आइए इस पूरी कहानी को हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये किस्सा हाल ही में चर्चा में आया है जब सलमान खान का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस बातचीत में सलमान ने अपने साथ ट्रिप में हुए सलूक का खुलासा किया था। ये पूरा मामला साल 1992 का है। उस वक्त सलमान खान, एक्टर आमिर खान, एक्ट्रेस रवीना टंडन, दिव्या भारती, जूही चावला, कुमार शानू और उदित नारायण जैसे स्टार्स के साथ वैंकूवर टूर पर थे। तो इस विदेश वाले टूर के दौरान सलमान को आमिर खान, उनकी पत्नी रीना दत्ता, जूही चावला और दिव्या भारती समेत और 15 से 20 लोगों के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ा था। इस बात का खुलासा इंटरव्यू में खुद सलमान ने ही किया। सलमान ने बताया, हम 15-20 लोग थे, सब फर्श पर बिछी चटाई पर सोते थे। सुबह के नाश्ते और रात के खाने में सिर्फ चने ही खाते थे, सुबह 15 चने और शाम को भी 15। सोने के लिए गीला तौलिया तकिए की तरह लगाना पड़ता था जिससे हम नहाते भी थे। सलमान ने आगे बताया, मेरे साथ एक कमरे में मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, आमिर खान, रीना दत्ता, जूही चावला, जूही की माँ पापा, दिव्या भारती, हम सब एक ही साथ थे, सब चटाई पर सो रहे थे। सलमान खान का इंटरव्यू अब तेजी से लोगों की अटेंशन ग्रैब कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो सलमान तब तक पूरी तरह स्टार नहीं बने थे। भले ही उनकी फिल्म मैंने प्यार किया हिट हो गई थी, लेकिन तब भी वो एवरेज ही थे, क्योंकि इस फिल्म की सारी लाइमलाइट एक्ट्रेस भाग्यश्री ने चुरा ली थी। वहीं आपको बता दें कि भले इस ट्रिप पर सलमान को इतने सारे लोगों के साथ एक कमरे में रहना पड़ा हो, लेकिन असल जिंदगी में भी वो 1 BHK में ही रहते हैं। यूं तो उनके पास गैलेक्सी अपार्टमेंट जैसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन वो फिर भी सिर्फ एक कमरे वाले अपार्टमेंट में ही रहते हैं। बहरहाल दूसरी ओर बात अगर सलमान खान के वर्क फ्रंट की करें तो अब जल्द ही सलमान फिल्म किसी का भाई किसी की जान लेकर आने वाले हैं। फिल्म का गाना बिल्ली बिल्ली भी आउट हो गया है। ये फिल्म 21 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा टाइगर 3 में भी नजर आएंगे, जिसमें एक बार फिर उनकी जोड़ी कैटरीना कैफ के साथ जमेगी। ये फिल्म 10 नवंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। इसके अलावा सलमान खान लंबे समय के बाद अब डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं। साल 2024 की दिवाली पर सलमान खान अपनी फिल्म प्रेम की शादी रिलीज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।